जब भी कैलकुलेशन की बात होती है तो स्क्वायर रूट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और आप लोग स्क्वायर रूट किस तरह से करते थे वो सोचने वाली बात है। मैं आपको बहुत सिंपल स्टेप से स्क्वायर रूट समझा देता हूँ, वो भी बिना पेन के लेना है। आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है जो बहुत सिंपल सी बात है, ध्यान से सोचते हैं। एक बात बताइए, आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट करने जाएंगे तो वो किसी न किसी नंबर का स्क्वायर रहा होगा। तो मैं बहुत सिंपल सी बात कहता हूँ, कोई भी नंबर जो स्क्वायर रहता है उसका लास्ट प्लेस 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। क्या बोला मैंने कि किसी भी नंबर, कोई भी संख्या होगी और अगर वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो उसका इकाई अंक जो होगा वो 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता है। पहली बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि आप किसी भी नंबर का मन में सोचिए, लास्ट प्लेस 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है। अगर कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग होगी तो उसका इकाई स्थान 2, 3, 7, 8 नहीं होता है। तो टोटल डिजिट 0 से 9 में 10 ही होते हैं, 10 में 2, 3, 7, 8 तो हो ही नहीं सकते। तो अब कितने बचे, 6 संभावनाएं बची। अब 6 संभावनाओं को ध्यान से देखना है। एक बात बताइए, 1 कब कब आ सकता है? 1 आ सकता है जब हम 1 का स्क्वायर करेंगे या 9 का स्क्वायर करेंगे, इन दोनों ही कंडीशन में 1 आ सकता है। इसके अलावा 4 कब आ सकता है? 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ सकता है, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ सकता है। कोई भी नंबर के लास्ट में अगर 2 लगा होगा तो स्क्वायर करने पे 4 आएगा, या 8 लगा होगा स्क्वायर करने पे 4 आ सकता है। इसके अलावा 4 का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में 6 आता है, और 6 के स्क्वायर में भी 6 आता है तो ये 6 आ सकता है। इसके अलावा 3 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में 9 आ सकता है, और 7 के स्क्वायर में भी लास्ट में 9 आ सकता है, यानी कि 1, 4, 6, 9। ये जो चारों डाटा है 1, 4, 6, 9, ये सभी दो दो पॉसिबिलिटी हैं, दो संभावनाएं हैं। अब इनको कैसे ध्यान रखना है, बहुत सिंपली आपको मैं याद करवा देता हूं। आपको कुछ नहीं ध्यान रखना है, इनका एडिशन हमेशा 10 होता है। 1 और 9, 10 हो गया, 2 और 8, 10 होता है, 4 और 6, 10 होता है, 3 और 7, 10 होता है। तो इसे ध्यान रखिएगा, अगर आप लास्ट में 9 लगाओ तो सोचिए 3 का स्क्वायर है, और इसी तरह 3 में क्या जोड़ेंगे कि 10 बन जाए तो 7, 3 और 7 साथ में आते हैं। तो बस इतनी सी बातें ध्यान रखनी है। इसके अलावा 0 जब भी स्क्वायर होकर आएगा तो एक साथ 2 0 आएगा, और 0 के लास्ट में स्क्वायर करने पे लास्ट में 0 ही लगा होता है। 5 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 5 ही होता है, लेकिन साथ में ये बात भी ध्यान रखिएगा 2, 5 लगा होता है ना। तो इतनी सी बातें ध्यान रखनी है कि कोई भी संख्या अगर पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अभी हम बात कर रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर की, तो उसमें 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता, ये बात माइंड में रखनी है। 1, 4, 6, 9 ये सभी डबल पॉसिबिलिटी हैं, दो संभावनाएं हैं। किन किन में आ सकता है? 1 आता है 1 में और 9 में, 1 और 9, 10 होता है। 4 आता है 2 में और 8 में, 2 और 8, 10 होता है। 6 आता है 4 का स्क्वायर में और 6 के स्क्वायर में, 4 और 6, 10 होता है। 9 आता है 3 के स्क्वायर में और 7 के स्क्वायर में, ये 3, 7, 10 होता है। 0 के केस में 0 ही आएगा, 5 में 5 ही आएगा, 0 अपने साथ 2 0 एक साथ आएगा और 5 अपने साथ 25 लेकर आएगा। इतनी सी संभावनाएं थी, यानी कि जब भी आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो पहला काम होता है इकाई स्थान निकालना। अब आप देखिए इकाई स्थान कैसे लिखता हूं मैं, जैसे यहां पर 9 है तो मैं तो कह सकता हूं ना कि 3 के स्क्वायर में 9 आता है और 7 में आता है, तो इसके लास्ट प्लेस पे 3 या 7 होगा, है ना। पहला हम लास्ट प्लेस लिख रहे हैं। ये 6 कब आता है? 6 आता है बाबू 4 में और 6 में, तो 4 आ सकता है लास्ट प्लेस। मैं लास्ट प्लेस की बात करता हूं, यहां पर लास्ट प्लेस पे 4 लगा हुआ है, 4 कब आ सकता है? 2 का स्क्वायर 4 होगा, और 2 और 8 10 होता है, तो 8 के स्क्वायर में भी 4 होगा। 1 कब आ सकता है? आप ही बताइए, 9 के स्क्वायर में 1 होता है और 1 के स्क्वायर में भी 1 होता है, तो 1 हो सकता है और 9, यानी कि मैं अपने आंसर का इकाई स्थान निकाल चुका हूं। जैसे यहां पर देखा और हमने अपने इकाई स्थान निकाल दिए, पहला काम ये होता है कि यूनिट डिजिट बाहर कर देना। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल सी कहानी है। आपको क्या करना है, जब भी आप वर्गमूल निकालेंगे ना तो पीछे से 2 डिजिट आप नहीं देखेंगे, डिलीट कर देंगे ये भी कह सकते हैं। तो आप पीछे के 2 प्लेस को बिल्कुल मत देखिए, जो भी नंबर था उसके लास्ट के 2 प्लेस को हमने नहीं देखा, ठीक है। इतनी सी कहानी थी। पहला काम क्या, हमने इकाई स्थान की संभावनाएं लिख दी, फिर हमने क्या क्या पीछे से 2 प्लेस रख दिए, ठीक, हटा दिए। अब जो नंबर बचा है, यानी कि एक नजर में देख लेते हैं, 372 यहां बचा हुआ है, यहां पे बाबू 213 बचा हुआ है आपका, यहां पे 67 बचा हुआ है, और यहां पे 364 बचा हुआ है ना। इन्हें देखना है ये किन के स्क्वायर के अंदर आता है, किन के स्क्वायर के अंदर लाई करता है। आपके सामने स्क्वायर याद रहे तो बहुत अच्छा है, स्क्वायर यहां पे बेसिकली लिखा हुआ है बट याद होने चाहिए, याद होने से आपका कैलकुलेशन पार्ट आसान हो जाएगा। 372 अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 19 और 20 के बीच में आता है, 19 और 20 के, 19 का स्क्वायर है 361 और 20 का स्क्वायर है 400, है ना। तो आप खुद बताइए कि ये जो डाटा है 371, क्या मैं कह सकता हूं ये डाटा आता है 19
और 20 के बीच में आते हैं तो 19 और किसके बीच में आएगा, 20 के बीच में आएगा। 19 के स्क्वायर में 361 है और 20 के स्क्वायर में 400 है, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। यहां से बाबू जिनके बीच में आएगा उनमें से हमेशा छोटी को लेनी है, हमेशा छोटी लेनी है। तो क्या करें, इस छोटी को यहां से लिया और इसके आगे लगा दिया, यानी कि मेरे दो आंसर हो सकते हैं अब तक, 193 होगा या 197 होगा, सही है ना, ध्यान से देखिएगा। इसी तरह 213 इसमें कहां पर आता है, 14 और 15 के बीच में आता है, तो 14 लिखा और क्या लिखा बाबू, 15 लिखा। यहां से हमेशा छोटी लेनी होती है इसलिए छोटी को लिया और छोटी वाली कौन सी थी, 14 थी, तो यहां पे बाबू 14 लगा दिया, है ना, यानी कि इसका वर्गमूल 144 या 146 हो सकता है, ठीक है। इसके बाद 67 अगर आप ध्यान से सोचिएगा तो 8 और 9 के बीच में आता है, 8 और 9 के बीच में आता है, यहां से छोटी लेनी है इसलिए छोटी वाली को 8 लगा दिया, यानी कि इसका स्क्वायर रूट वर्गमूल 82 होगा या 88 होगा, लास्ट प्लेस पहले हम निकाल चुके हैं। इसके बाद बचता है 364 फिर से 19 और बाबू 20 के बीच में आएगा, 19 और 20 के स्क्वायर के अंदर लाई करता है, इसमें छोटी लेनी है तो इसमें छोटी लेनी है, हमेशा इन दोनों में छोटी ही लेनी होती है। इस छोटी को अगर हम आगे लगाते हैं तो ये 19, इसका वर्गमूल होगा 191 या 199, इन्हीं दोनों में से। अब कौन सा सही है, एक को सही कर लेते हैं और आंसर आ चुका है हमारा, कुछ नहीं करते हैं, जिनके बीच में बाबू अंदर आता है लाई करता है उन्हें हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये मल्टीप्लाई किया तो 19 गुने 2 38 होता और 0 लग जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो गया, है ना, 14 × 15 है ना, ये 210 होगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, 8 × 9 करेंगे तो ये हो जाएगा, समझ पा रहे क्या मैं कर रहा हूँ, 72 हो जाएगा, है ना। और यहां पर बचा है, यहां पर क्या बचा है, 19 × 20 फिर से 380 बचा, हमने आपस में पहले मल्टीप्लाई कर दिया, सही है ना। मल्टीप्लाई करने के बाद अपनी संख्या को, मैं कह रहा हूं अपनी संख्या, तो हमारी संख्या 372 को देखनी है इससे, तो हमारी संख्या बड़ी है, है ना, बड़ी है ये छोटी है ये देखनी है, तो हमारी संख्या 372 छोटी है 380 से, अपनी संख्या को देखनी है। तो अगर छोटी है तो क्या लगाने पर छोटी वाली, 3 और 7 में छोटी कौन सी थी, 3 थी, तो इसका आंसर 193 होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इनका गुना 380 आया था, अपनी संख्या 372 थी, अपनी संख्या छोटी थी इसलिए इन दोनों में 3 और 7 में छोटी 3 थी इसलिए छोटी को आंसर किया। फिर से देखते हैं एक बार और, फिर से देखिए, अपनी संख्या 213 है जो कि इससे अब की बार बड़ी है, अगर बड़ी है तो इन दोनों में बड़ी कौन होगी, 146 होगी, ये इसका वर्गमूल होगा। इसी तरह से अगर मैं इसमें देखूं 67, यहां पर इस 72 से निश्चित तौर पर 67 छोटी है, तो छोटी वाली को आंसर करेंगे, यानी कि 82 आंसर होगा क्योंकि 2 और 8 में छोटी है। इसके बाद बचा 364 है, ये 380 है, अपनी संख्या छोटी है, 364 380 से छोटी है तो इसलिए छोटी वाली को लेंगे, यही इनके आंसर्स हैं, यानी कि कहने का मतलब मैंने सबका वर्गमूल निकाल दिया है। बहुत आसानी से आप वर्गमूल कर सकते हैं, आज के बाद कभी भी आपको वर्गमूल निकालना हो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का तो इस प्रोसेस का यूज कीजिएगा, स्क्वायर याद रहे तो ज्यादा फायदा है। थैंक यू सो मच।